हे गाइस, मेरे पास काफी कमेंट आ रहे थे पीडीएक्स में जो है बफरिंग प्रॉब्लम्स आ रहा है या फिर कोई भी लिंक्स ओपन नहीं हो रहा है। इसके अलावा डाउनलोड जो है स्पीड प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो फाइनली ये वीडियो शूट करना हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर पीडीएक्स में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, बफरिंग प्रॉब्लम हो या फिर डाउनलोड स्पीड प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी लिंक्स वर्क नहीं कर रहा या फिर ओपन नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम्स को कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। सो हे गाइस, मैं हूं जहांगीर और आप सभी का हमें चकत्रा टेक जे के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पीडीएक्स ऑनलाइन सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ दूसरे वाले वेबसाइट पीडीएक्स मूवी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो कि इस वेबसाइट का नाम है। उसके बाद अब यहाँ आपको वो वीडियो या फिर जो भी मूवी आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ इस मूवी को सिलेक्ट कर लिया है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया जाता है वॉच ऑनलाइन डाउनलोड, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ आपको दो ऑप्शन दिया जाता है, तो अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो यहाँ एमएक्स प्लेयर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन देखना तो यहाँ केएम प्लेयर सिलेक्ट कर लेना है, जिसे आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो मुझे डाउनलोड करना है तो यहाँ एमएक्स प्लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सॉरी, यहाँ नेटवर्क दिक्कत है इसलिए थोड़ा जो है नेट काम नहीं कर रहा। तो यहाँ लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ एमएक्स प्लेयर पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एमएक्स प्लेयर जो है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ आपको थ्री डॉट का एक ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। इन्फॉर्मेशन में क्लिक करने के बाद इस लिंक को जो है कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और फिर से आपको बैक जाना है। अब यहाँ आपको प्लेट ऐप को ओपन कर लेना है अपने फ़ोन में। तो यहाँ से मैं अपने फ़ोन में प्लेट ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ जो लिंक आपने कॉपी किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ डाउनलोड, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अगर आपके सामने ये डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो फिर से बैक जाना है और यहाँ आपको एक सर्च वाले आइकन मिलेगा, तो पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ सर्च वाले आइकन मिलेगा, तो सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है और जो लिंक आपने कॉपी किया था उस लिंक को यहाँ से पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट जैसे आप करोगे उस लिंक को, तो यहाँ जो है लोडिंग होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो जैसे आप यहाँ करोगे तो ये वो वीडियो जो है आ जाएगा। तो यहाँ आपको एक स्क्रीन में डाउनलोड का आइकन दे दिया है, तो यहाँ डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके आप जो है इस मूवी को या फिर इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्लेट ऐप नहीं है और आप चाहते हैं पीडीएक्स के फाइल को ओपन कर लेना यानी कि फिर डाउनलोड करना, तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ प्ले स्टोर को टेलीग्राम को ओपन कर लेना है, जो भी लिंक है वो टेलीग्राम को ओपन कर लेने के बाद उस लिंक पे क्लिक करके यहाँ क्रोम ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेने के बाद सेम यहाँ वही कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ प्लेट या फिर यहाँ मैक्स प्लेयर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं और केएम प्लेयर अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से कर लेता हूँ एमएक्स प्लेयर। और सेम यहाँ जैसे मैंने आपको पहले बताया जो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट है ये प्ले ओपन हो जाएगा। हो जाने के बाद यहाँ आप सेम थ्री डॉट पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके और यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद अब यहाँ कॉपी कर लेने के बाद बैक जाना है और अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ आपको एक ऐप्स को डाउनलोड करना है। इस ऐप्स का नाम है जो है वन डी एम इस ऐप्स का नाम है। तो यहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एड लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस लिंक को जो आपने कॉपी किया था उस मूवी का या फिर, तो उसको यहाँ से पेस्ट कर देना है। फिर नीचे भी आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो वो मूवी या फिर वो जो लिंक को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद यहाँ स्टार्टेड वाले एक ऑप्शन दिया जाता है, तो इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपको डाउनलोड स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, काफ़ी फास्ट आप डाउनलोड
कर सकते हैं। देख लिया आपने कितना आसानी से अगर आप पीडीएक्स में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों साथ शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं पीडीएक्स में जो डाउनलोड स्पीड या फिर किलो जो है बफरिंग प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी लिंक्स ओपन नहीं हो रहा था, ये प्रॉब्लम फिक्स हुआ है या फिर नहीं। अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियो आपको देखना पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।